हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम इंडो वेस्टर्न स्कर्ट बनाना सीखेंगे। इंडो वेस्टर्न स्कर्ट के लिए यहाँ पर हमने 4 मीटर इस तरीके का शाइनिंग कपड़ा लिया है और 3 मीटर हमने यहाँ पर कॉटन का अस्तर लिया है। तो सबसे पहले देखिए, इस तरीके से हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको 8 फोल्ड कर रख लेना है। आप इस पर कितने भी फोल्ड कर रख सकते हैं। यहाँ पर हमने कोई कली वगैरह कट नहीं करनी है, तो यहाँ पर कितनी भी फोल्डिंग आपकी मैटर नहीं करेगी। आप 4 फोल्ड 8 फोल्ड रख सकते हैं। 1 इंच की हमने ऊपर की तरफ से इस तरीके से मार्किंग की है और नीचे की तरफ आपकी जो भी स्कर्ट की हाइट है उसमें आपको 2 इंच माइनस कर देना है। यहाँ पर मेरी हाइट 39 इंचेस पर मुझे बनाना है, तो मैंने 37 इंचेस पर मार्किंग की है। और नीचे जो ये 2 इंच रखे हैं ये हमने अंदर की तरफ फोल्डिंग के लिए, यानी कि नीचे की पट्टी फोल्ड करने के लिए रखे हैं। 2 इंच का यहाँ पर ऊपर नेफा पट्टी लगेगी, तो ये वापस 39 का बनकर रेडी हो जाएगा। जो हमने ये कॉटन का अस्तर लिया है, इस अस्तर को हमें पहले डबल फोल्ड कर देना है और उसके बाद इस तरीके से तिरछा बिछा देना है, जिस तरीके से हम अम्ब्रेला कट करते हैं उस तरीके से। यहाँ पर हमने 7.5 इंच पर एक मार्क करना है, जो आपकी कमर है उसका 4th पार्ट करके 1/2 इंच। फिर ऊपर वाले कॉर्नर से आपको एक तरफ से माप मेज़र करना है, लाइन पर 11 इंच है, तो सारी तरीके से आपको मेज़रपंटी कॉर्नर पर ही रखनी है और इस तरीके से राउंड शेप में मार्किंग कर लेनी है, तो ये राउंड शेप बन जाएगा। अब यहाँ से आपको जो है वो मेन फैब्रिक का आपका जो भी हाइट है उससे आप 5-6 इंच यहाँ पर कम रख सकते हैं। जितना आपके पास अस्तर है उतना आप यहाँ पर अस्तर रखें, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें कि 3-4 इंच कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप 5-6 इंच तक कम रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने 33 इंचेस पर मार्किंग की है। जो हमारी हाइट है स्कर्ट की वो 39 इंचेस है, हमने यहाँ पर 33 इंचेस का स्कर्ट का जो अंदर का अस्तर है उसे कट किया है। इस तरीके से राउंड शेप दे देना है और इसे यहाँ पर कट कर लेना है। फिर ये जो ऊपर की तरफ हमारा पार्ट एक रह गया है वहाँ पर हमें जॉइंट लगाना होगा, तो आप जॉइंट ये जो अंदर की तरफ अस्तर जाएगा इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस कलर है तो भी चल जाएगा, तो वहाँ पर हमने रख कर सेम कट कर लेना है। अब हमें देखिए दोनों पार्ट्स को, यानी कि अम्ब्रेला के दोनों फ्रंट एंड बैक पार्ट को अलग कर देना है। और सबसे पहले हम यहाँ पर जॉइंट को यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। जॉइंट को स्टिच करते वक्त आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है किस तरफ से आप स्टिच कर रहे हैं इसे, और जॉइंट बराबर जितना आपका कम है अस्तर उतना पूरा होना चाहिए, और एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है इससे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक में हमने इस तरीके से नीचे की तरफ फोल्डिंग के लिए 2 इंच की मार्जिन दी थी, तो उसे एक बार हम रहने देंगे। और जिस तरफ से हमने 1 इंच वाला जो पार्ट लिया था उस तरफ से हम थोड़ा सा 1 इंच तक सिलाई लगा लेंगे 1.5 इंच तक। बॉक्स प्लेट के लिए देखिए, फ्रंट आपको 1 प्लीट इस तरीके से बनानी है और 1 प्लीट उसके ऑपोजिट साइड पर बनानी है। और ऑपोजिट साइड पर प्लीट बनाने के बाद देखिए ये कुछ इस तरीके का लुक यहाँ पर आएगा। फिर से आपको यही प्रोसेस रिपीट करना है। फिर से एक अपनी खुद की, मतलब एक जहाँ जिस तरफ हम बैठे हैं हमारी फेस की तरफ हम बनाएंगे 1 प्लीट, और 1 प्लीट जो है हम मशीन की फेस की साइड बनाएंगे एक ऑपोजिट साइड में, और एक दूसरे के एकदम नज़दीक या फिर थोड़ा सा ऊपर रखते हुए इस तरीके से हम यहाँ पर स्टिच लगाते जाएंगे। और ये जो बीच में बन रहा है वो एक बॉक्स बन रहा है और इसी को बॉक्स प्लेटेड वेस्टर्न स्कर्ट कहते हैं। यही देखिए, पूरे कपड़े में आपको जितनी आपकी कमर है उतना आपको यहाँ पर इसी तरीके से चून बनाकर कवर कर लेना है। ये जो प्लीट्स बनाएंगे, इस प्लीट्स को आपको देखना है कि बॉक्स इक्वल दिखे। चाहिए तो आप एक मेज़रमेंट ले सकते हैं, जैसे 2.5 इंच का, 3 इंच का, 4 इंच का बॉक्स। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से इक्वल हमने यहाँ पर पूरे कपड़े में बॉक्स बनाया है। जो बीच का जो बॉक्स बन रहा है उसको आप मेज़र करते जा सकते हैं और इस तरीके से स्टिच करते जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से स्टिच करने के बाद ये इस तरीके से प्लीट्स बन गए हैं। तो इन प्लीट्स को हमें एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखना है और थोड़ा थोड़ा स्टिच करना है, 3 इंच 4 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच उससे, और कम से कम 2.5-3 इंच, इससे ज़्यादा और कम आपको यहाँ पर स्टिच नहीं करना है, वरना ये हिप की साइड से बहुत ज़्यादा फिट हो जाएगा, जो बहुत ही अजीब दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 2.5 या 3 इंच 4 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच तक आप इसमें लगा सकते हैं प्लीज़। तो देखिए हमने यहाँ पर, ये बहुत ही छोटा माप है, तो यहाँ पर हमने 2 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब सारी प्लीट्स के यहाँ पर आपको इसी तरीके से 2 इंच का एक मार्क लगा देना है। जैसे ही हम ये 2 इंच का मार्क लगाएंगे,
उसी मार्क के हिसाब से आपको स्टैंड में सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम आड़ी सिलाई नहीं लगाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको एक में सिलाई कर दिखा रही हूँ। तो देखिए आपको स्कर्ट को सीधा रखना है और इन प्लीट्स को थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर रखना है। ज़्यादा आपको आधा एक इंच तक आपको ऊपर नहीं ले जाना है। कम से कम आप इसको एक दूसरे के ऊपर ले जाएंगे और जहाँ पर दो इंच तक आपने मार्क किया है, देखिए उस दो इंच तक ही हमको सिलाई लगानी है। और इस तरीके से सुई को उठाते हुए यहाँ पर हम इसमें धागे को कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा धागे को। देखिए कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। ये इस तरीके से स्टिच आनी चाहिए। आपको आड़ी यहाँ पर स्टिच नहीं करनी है। और इस तरीके से हम चौक का जो हमारा निशान है वो भी मिटा देंगे, यानी कि निकाल देंगे। देखिए फिर से इसी तरीके से आपको हर एक प्लीट्स पर प्लीट्स लगा लेनी है। और इसके बाद हमने ये जो है वो नीचे की तरफ जो दो इंच एक्स्ट्रा रखा था उसे हमने अंदर की तरफ स्टिच कर लिया है। तो देखिए इतना काम करने के बाद अब इसमें हम अंदर की तरफ अस्तर ज्वाइन करेंगे, जो अस्तर हमने रेडी किया है। तो देखिए अस्तर का राउंड वाला जो भाग है वो ऊपर की तरफ राउंड वाले भाग यानी कि जिधर प्लीट्स लगाई है उस तरफ रखेंगे। और सबसे पहले अस्तर को एक सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे। आप नीचे की तरफ जितना एक्स्ट्रा रखेंगे उतना ही आपको फोल्ड करना है। यहाँ पर मैंने दो इंच एक्स्ट्रा रखा था इसीलिए मैंने दो इंच नीचे की तरफ सिंपल एक सिलाई लगाकर आपको इसमें यहाँ पर फोल्ड कर देना है नीचे की पट्टी को। और यहाँ पर देखिए अस्तर को हम इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। पूरे स्कर्ट में आपको अस्तर को अच्छे से ज्वाइन करना है। इसके बाद हम यहाँ पर इसमें नेफा पट्टी लगाएंगे। अस्तर ज्वाइन हो चुका है यहाँ पर एकदम आसानी से, देखिए पूरे स्कर्ट में। और यहाँ पर अब हम जो हमारा ये जो अस्तर वाली पट्टी है इसे भी हमें फोल्ड करनी है नीचे की तरफ से, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर आप एक इंच तक फोल्ड कर सकते हैं। तो पहले हम आधे इंच लेकर कपड़ा इस तरीके से राउंड में सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जब भी आप राउंड में सिलाई लगाएंगे आप डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो सिलाई सही से नहीं आएगी, कपड़ा फोल्ड होगा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमने आधा इंच लिया है और पूरे घेर में आधा इंच पर हमने सिलाई लगा ली। अब उसी आधे इंच को फिर से एक बार हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक और सिलाई लगा लेंगे। देखिए ये डबल फोल्ड हो गया है। डबल फोल्ड सिंगल में सिलाई में नहीं होगा, अगर होगा तो भी इतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आएगा, इसलिए हमने वहाँ पर इस तरीके से फोल्ड किया है। अब देखिए जो साइड के कॉर्नर्स है यानी कि दोनों साइड पर जो बचे हुए भाग है वहाँ पर भी आपको अस्तर को इसी तरीके से अस्तर और कपड़े को थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। आधा आधा इंच आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है ताकि धागे बार बार निकले ना, या फिर आप यहाँ पर सिलने के बाद ओवरलॉक कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पर पहले ही स्टिच कर लिया है और अस्तर को भी ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए दो से ढाई इंच के आप मार्जिन जो भी आप यहाँ पर नेफा लगाएंगे वो रखना है। और यहाँ पर हम जिप लगा लेंगे। तो नेफा से पहले आपको जिप लगानी है, दो इंच पर मार्क करना है। जिप को इस तरीके से ओपन कर रखेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जिप के एकदम आपको स्कर्ट से नज़दीक ही रखना है। यहाँ पर इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे। जितनी बड़ी आपको जिप चाहिए वहीं तक आप लगाइए। 4-5 इंच की जिप बहुत हो जाती है स्कर्ट्स में। और जो दूसरा वाला पार्ट हमारा रेडी है देखिए उसके ऊपर भी हम 2 इंच पर एग्जैक्ट जहाँ पर आपका लॉक है जिप का वहाँ पर मेज़र करेंगे और इस तरीके से रखना है। और यहाँ पर आपको कपड़े और जिप के बीच में जो है आधे से एक इंच का गैप रखना है। जहाँ आपकी जिप का कपड़ा वाला पार्ट है उस वाले पार्ट पर आपको लास्ट में सिलाई लगानी है। और जहाँ तक आपने इस तरफ सिलाई लगाई है वहीं तक यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। और इसे इस तरीके से देखिए तिरछी एक सिलाई यानी कि आड़े में एक सिलाई लगाकर यहाँ पर लॉक कर देंगे। तो ये हमारी जिप लगकर रेडी हो चुकी है। इसके बाद नेफा पट्टी के लिए यहाँ पर हमने 5.5 इंच की एक पट्टी कट की है अपने कमर के माप के अकॉर्डिंग और उसके साथ ही अस्तर को स्टिच कर लिया है। यहाँ पर हम जो पट्टी करेंगे वो हमारा जो भी कमर का भाग होगा उससे आपको
2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है क्योंकि नेफे की साइड से यहाँ पर आपको फोल्ड करना पड़ेगा। तो देखिए सीधे वाले भाग पर सीधा वाली भाग पट्टी का रखेंगे, 1 इंच बाहर की तरफ निकाल देंगे साइड में, और जिस तरफ हमने वो प्लीट्स लगाई हैं और वहाँ पर जो बॉक्स बनाए हैं देखिए उस पर रखकर आधा से 1.25 इंच का आपको गैप देते हुए इस तरीके से स्टिच करते जाना है। यहाँ पर देखिए हम कुछ इस तरीके से स्टिच लगा रहे हैं इसमें। यहाँ पर पूरे में स्टिच लगाने के बाद अगर पट्टी ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो आप उसे कट भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से 1 इंच जो पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड होगी और ऊपर से आपको आधा इंच फोल्ड करते हुए इस तरीके से फिर से फोल्ड कर देना है, और यहाँ पर आपको नाड़ी के लिए गैप रखना है या आप हुक भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है आधे से पौना इंच हमने यहाँ पर बॉक्स बनाया, उस तरफ से आधा इंच ऊपर की तरफ से फोल्ड हुआ, यानी कि 1 इंच यहाँ पर फोल्ड होगा और फिर ये हाफ में हम इसे फोल्ड करेंगे, तो ये पट्टी पूरी 2.25 इंच की ही बनकर रेडी होगी। तो आपको इस हिसाब से ही मेज़रमेंट लेना है। अगर 2 इंच का आपने स्कर्ट के मेज़रमेंट कट किया है तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम इसे फोल्ड करते हुए पूरे स्कर्ट में नेफा पट्टी लगा लेंगे। देखिए जो लास्ट में कॉर्नर बचा है उसे भी फिर से अच्छे से इसी तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर स्कर्ट को पूरा बना लेना है। इस नेफे पट्टी के साथ ये स्कर्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये नेफा पट्टी के साथ स्कर्ट कंप्लीट है। अब आप चाहो तो यहाँ पर देखिए एक जो हमारा पैडल होता है मशीन का उसको ही मेज़र करते हुए यहाँ पर एक और सिलाई लगा लेंगे। ये बहुत ही अच्छा दिखता है दिखने में, इसीलिए हम लगाते हैं। बाकी सिलाई का कोई भी यहाँ पर मेज़र नहीं है और अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो इसी के साथ फिट भी हो जाता है, बस इसी वजह से ये सिलाई लगाई जाती है। तो देखिए डबल सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है और यहाँ पर देखिए ये हमारे जिप भी बंद होने के बाद कुछ इस तरीके से इनविजिबल दिखेगी, यानी कि बाहर की तरफ दिखेगी नहीं जिप। ऊपर से हम नाड़ी लगाने वाले हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये जो खुला वाला पार्ट है इसे भी हमें यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर लेना है। स्कर्ट हमारी रेडी हो रही है, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो स्कर्ट है बॉक्स प्लेटेड वाला स्कर्ट कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है, और आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से इसमें फिनिशिंग आई है। ये हमारी इनविजिबल जिप है जो कमर की तरफ है, देखिए ये इस तरीके से जिप ऊपर इनक्लोज हो रही है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ पर हमने देखिए ये नेफा पट्टी है, ये हमारे स्कर्ट्स के प्लीट्स है यानी कि बॉक्सेस बनाए एज इक्वल, और ये बहुत ही अच्छा बनकर हमारे सामने देख सकते हैं आप रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से आप भी अपने कोई भी डिज़ाइनर वेस्टर्न स्कर्ट को इस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल के पास सब्सक्राइब बटन के पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे कि आपको मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।